दोस्तों इस वक्त भारत में चुनावी माहौल चल रहा है और पूरी दुनिया का ध्यान इस वक्त भारत पर लगा हुआ है। भारत में लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं और मोदी सरकार पूरी तरह से तैयार है तीसरे टर्म में प्रवेश करने के लिए। दोस्तों इस वक्त भारत एक डेडली मिसाइल का टेस्ट करता है। भारत एक ऐसी मिसाइल फायर करता है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। भारत ने ऐसा तब किया है जब पूरी दुनिया का ध्यान भारत के चुनावों पर लगा हुआ था और इस वक्त भारत समुद्र में एक ऐसी मिसाइल फायर करता है जिसकी धमाके की आवाज चीन तक पहुंचती है। कमाल की बात यह है कि ये मिसाइल न ब्रह्मोस है, ना आकाश है और ना ही अग्नि सीरीज की कोई मिसाइल। बड़ी बात यह है कि भारत ने अपनी इस नई मिसाइल का टेस्ट तब किया है जब चीन के साथ और पाकिस्तान के साथ भारत का भयंकर तनाव चल रहा है दोनों ही सीमाओं पर। दोस्तों काफी समय से आप देखते भी आ रहे होंगे कि मोदी सरकार देश को डिफेंस के तौर पर शक्तिशाली बनाने के लिए एक के बाद एक मिसाइलों को तैयार कर रही है, एक के बाद एक फाइटर जेट को तैयार कर रही है, लगातार नए नए हथियार डेवलप हो रहे हैं और इसी क्रम में इस नई मिसाइल ने एंट्री मारी है जिसने भारत के दुश्मनों के सीने में दहशत भरती है। खास बात यह है कि इस वक्त जब भारत में चुनावी माहौल चल रहा है तब भारत ने इस मिसाइल का टेस्ट किया है जिसके बाद दुनिया भर की जो डिफेंस एजेंसियां हैं वो चौंक पड़ी हैं। दोस्तों यहां पर आपको ये भी बता दें कि इस मिसाइल का एक खास कनेक्शन भारत के परम दोस्त यानी इसराइल से भी है। अब ये कनेक्शन क्या है ये हम आपको आगे वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा और देश हित में इस वीडियो पर अपना एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों इस मिसाइल को लेकर चीन और पाकिस्तान दोनों डरे पड़े हैं, दोनों ही ये बात समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर भारत ने ये मिसाइल कब बनाई, कैसे बनाई और भारत के पास ये डेडली तकनीक आखिर कहां से आई। दोस्तों इस वक्त मेक इन इंडिया का तहलका पूरी दुनिया में मचा हुआ है। भारत की देसी तकनीक ने पूरी दुनिया में अपना डंका बजवा दिया है और इसी को लेकर भारत के जो रक्षा वैज्ञानिक हैं वो अपने मित्र देशों से मंगवाई हुई मिसाइलों को भारत की तकनीक से दोबारा तैयार कर इन्हें भारत की तकनीक के साथ फिर से रीलॉन्च कर रहे हैं और इन्हें एक नई शक्ति के रूप में तब्दील कर रहे हैं। इसी क्रम में भारत ने आज एक डेडली मिसाइल का टेस्ट किया है और वास्तव में ये एक इजरायली मिसाइल थी जिसे भारत ने अपनी खुद की तकनीक के साथ में दोबारा तैयार किया है। दोस्तों अगर आपको इस मिसाइल की ताकत के बारे में बताएं तो इस मिसाइल की रेंज है 250 किलोमीटर, यानी कि चीन हो या पाकिस्तान अगर ये दोनों ही देश भारत की तरफ कोई ड्रोन से हमला करते हैं, किसी फाइटर जेट से करते हैं या फिर किसी अन्य तरह के हथियार से हमला करते हैं तो भारत की ये मिसाइल फायर होकर उन्हें 250 किलोमीटर तक उनका पीछा करेगी और उन्हें नष्ट कर देगी। दरअसल दोस्तों भारतीय वायुसेना ने इस नई मिसाइल का टेस्ट किया है जो हवा से सतह पर एकदम सटीक हमला करती है। इस टेस्ट के दौरान इस मिसाइल ने पूरी सटीकता के साथ हमला किया और टारगेट को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। दरअसल दोस्तों इस मिसाइल का नाम है क्रिस्टल मेज 2 और इसे रॉक्स भी बुलाया जाता है। इसके अलावा इसे पॉपआई मिसाइल भी कहा जाता है। भारतीय एयरफोर्स ने इस मिसाइल का टेस्ट करने के लिए अपने सुखोई 30 MKI का इस्तेमाल किया था और इसका टेस्ट करने के लिए भारतीय वायुसेना ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह का ही चयन किया था क्योंकि यहां पर तीनों सेनाओं के बेस हैं। दोस्तों इसराइल की इस मिसाइल को भारत खुद डेवलप कर रहा है और व्यापक स्तर पर इसे तैयार कर रहा है। दोस्तों अगर इसकी खासियतों की बात करें तो यह अपने पुराने वर्जन यानी क्रिस्टल मेज 1 से काफी अलग है। इस नई मिसाइल यानी क्रिस्टल मेज 2 की जो रेंज है वो 250 किलोमीटर से भी अधिक है। यह स्टैंड ऑफ रेंज एयर टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है। यह उन टारगेट्स को भी निशाना बना सकती है जो लगातार मूव कर रहे हों। इसके अलावा दुश्मन की लंबी दूरी के रडार और एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट कर सकती है। आपको बता दें कि क्रिस्टल मेज 2 की रेंज 250 किलोमीटर है, यानी हवा से सतह पर मार करने वाली यह लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। इस मिसाइल का वजन करीब 1360 किलोग्राम है, 15 फीट लंबी। मिसाइल का व्यास 21 इंच है। इसके विंग स्पैन की लंबाई 6.6 फीट है। यह सिंगल स्टेयर सॉलिड रॉकेट इंजन के जरिए उड़ान भरती है। इस मिसाइल में 340 किलोग्राम वजन का वॉरहेड यानी हथियार लगा सकते हैं। इस वजन के ब्लास्ट फ्रेगमेंटेशन यानी टारगेट से टकराने के बाद उसके चिथड़े उड़ाने वाले हथियार लगा सकते हैं। इसके अलावा इसमें 360 किलोग्राम का पेनिट्रेनिंग यानी मोटी दीवारों वाले बंकरों को उड़ाने वाला
वॉर हेड लगा सकते हैं। दोस्तों जिस तरह से चीन और पाकिस्तान भारत की सीमा में इंटर होने के लिए लगातार कोशिश करते रहते हैं, चीन जहां एलओसी पर भारत में घुसपैठ करने की साजिश रच रहा है, तो पाकिस्तान एलओसी पर लगातार नए नए षड्यंत्र कर रहा है। और ऐसी स्थिति में भारत लगातार अपने खुद की तकनीक से हथियारों को डेवलप कर रहा है। और इसी सिलसिले में भारत की जो एयरफोर्स है उसने इस इजरायली मिसाइल को भारत की तकनीक से तैयार करवाकर इसका पहला सफल टेस्ट कर लिया है। हालांकि दोस्तों इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताइएगा।